बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उम्मीद है जी सारे एहसान भाई खरीयत नाल होंगे। नवीद सिद्धू तुहाडी खिदमत हाजिर है जी। डेली बेस से असीं तुहानूं गल्लां मंडी आरवाला दी अपडेट दे दी है। तो अज मंडी दे विच हजे तक बोली नहीं हुई, तकरीबन 9:30 होने तैयार आ, बोली कोई नहीं हुई। उसकी वजह है कि फोतगी की वजह ना बोली नहीं हुई, बोली होगी अज 12-1 बजे या 2 बजे तक जनासे तो बाद बोली होएगी। ठीक है, तो काफ़ी किसान भाई मेरे तो सवाल करते हैं कि मक्की लानी चाहिए है या झोना लाना चाहिए, यानी कि हुण भारी आ मक्की लाइए या मोटा झोना लाइए। देखो जी, दो चीज़ा वा कि कभी भी कोई भी चीज़ है ना, उन्होंने ना तो सदा अरूज देता वा तो ना ही सदा जवार देता वा। मक्की जवाल हैगा सी, यानी कि रेट मंदा रह गया वा। हुण उम्मीद है कि आने वाले दिनों के जिहड़ी मक्की हैगी है इहदे च बेहतरी के चांस देखने नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो बाकी तुहाडी मर्जी है, तुसीं झोना लाओगे तो वह भी बेहतर आ। ठीक है, लेकिन इहदी पैदावार का मसला बनता हुंदा वा एवरेज का। ठीक है, मकई की एवरेज कदरे पिछले साल तो बहुत ज़्यादा ही सी, हजे तिकर पिछले साल की भारी आ मक्की मंडी के आँदी पई है। ठीक है, तो हूँ तुम दस दें असी, काफ़ी किसान भाई ये भी पुछते हैं कि बी कि लाना चाहिए। इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग से 3-4 ही बी चलती पे चलते पे, 70-24, 63-17 तो 63-21 या उस तो बाद बंबस का नाम बहुत ज़्यादा सुनने के आ रहा वा। ठीक है, तो लिहाजा उनकी परचेज जी कोई नहीं हैगी। ठीक है जी, तो बाकी उम्मीद है कि मक्की दे विच दिन ब दिन जिहड़ा हैगा वा वो रेट इजाफा होएगा और बारिया मक्की जिहड़ी होने वाली होएगी उनका रेट बेहतर होएगा। ठीक है, इसी मेरी अज मंडी के हवाले वीडियो जी मैं अपने किसान भाई ने शेयर की, तो हूँ मैंने दो इजाजत। अल्लाह हाफिज़।